नमस्कार सभी को। देखिए अब आज हम अपना किचन गार्डन तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारी मिड डे मील वर्कर ने पहले ये क्यारियाँ खोद के और फिर इन क्यारियों में एकदम समतल जमीन की है, सारे कंकड़ पत्थर अलग किए हैं। ठीक है बच्चों, देख रहे हो, जब भी हम कोई चीज़ बोते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले सारा जो जमीन है उसको समतल बनाते हैं। ठीक है, समतल मतलब उसमें से जो जितने भी जो पत्थर वगैरह होते हैं वो अलग करके और एकदम सपाट जमीन करनी होती है। और पहले खोद के इसको खोखला किया जाता है, फावड़े से खोद के खोखला किया जाता है। क्यों किया जाता है बताओ जरा, बीज बोने के लिए। एक तो ये कि बीज को, जड़ जो निकलेगी बीज की उसके लिए उसको इजी होगा, और दूसरा इसमें जब हम इसको खोद के हल्का कर देते हैं तो इसमें हवा अंदर चली जाती है मिट्टी में, तो जो वो पथरीली सी बनती है वो नहीं होती है। तो जब इसमें हवा, हमें वैसे भी पौधा उगाने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ, हाँ धूप, हवा, पानी और मिट्टी, मिट्टी में तो वो होता ही है। तो जब हम इसको खोद के हवा इसके अंदर हमारी क्रॉस हो जाती है, धूप ऊपर से पड़ी रही है, पानी हमने अवेलेबल किया है, तो जैसे ही सुबह इन्होंने कल तैयार की थी और आज हमने ये बीज बोने थे, तो हमने क्या किया सुबह हल्का हल्का इसमें पानी का छिड़काव किया। अब इसमें इस वाली क्यारी में कौन सा बीज बोया है, सरसों बो दी इसमें। अभी हम सीजनल जो सब्जियां हैं उनको उगा रहे हैं। ठीक है, तो सर्दियों में जैसे इनको उगने में हमें कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे, तो उसके लिए हमें सीजनल सब्जियां तैयार करनी होती हैं। इसमें क्या बोया है, इसमें पालक बोया है। अभी देखना जरा दी आंटी कैसे बो रही हैं, ये देखो हाथों से मिट्टी को एकदम से कैसे ठीक कर रही है, वो बराबर कर रही है, इक्वल कर रही है ना, और मिट्टी को थोड़ा, क्योंकि हमने जो छिड़काव किया था वो पानी से मिट्टी वो गीली हो गई है। और उसके बाद में कमले सुन भी लगो, तुम उस वाली क्यारी को कर। अभी घर जाके आप लोगों को भी क्यारी तैयारी करनी है अपनी, अपने घर में कहाँ जहाँ कच्ची जगह हो ना, तो क्यारी ऐसे ही मम्मी को बोल के मम्मी की हेल्प लेना कि मम्मी क्या हम भी थोड़ा सब्जी किचन गार्डन छोटा सा बना सकते हैं अपने घर में, क्योंकि गांव है हमारा तो गांव में तो सबके पास कच्ची जमीन होती है। तो ठीक है, और मम्मी की हेल्प से आपको अपने घर में भी ये क्यारियाँ बनानी है। ओके, और फिर वही फोटो जब उगेंगी तो बकायदा रिकॉर्ड रखना है कि कितने दिनों में तो ये बीज निकले। अब यहाँ पर भी आपको डेली आके चेक करना है एक बार, ठीक है। पानी का आंटी तो ध्यान रखेंगी रखेंगी, लेकिन तुम लोगों को भी ध्यान रखना है कि इसमें पानी कितने दिनों में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, है ना, और कितने दिनों में हमारा पहला पौधा आया, और जो भी हम जितने बीज बो रहे हैं उनमें सबसे पहले कौन सा निकला, सबसे लास्ट में कौन सा निकला। ठीक है, चलो जाओ अब क्लासों में, आंटी को बोने दो। ओके।